मॉर्निंग हैप्पी साबुत बड़ा जॉय इट इज बहुत ही आनंद और खुशी और धन्यवाद का विषय है। एक और नई सुबह में हम अपने भाई बहनों के साथ एक साथ इस जूम परिवार में आ सकते हैं। स्वागत क्या चाहते हैं भाई सतनाम सिंह गिल का, आपकी सेवकाई के लिए, आपकी प्यार मोहब्बत समर्पण के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज की सभा के आप संचालक हैं, आप मुखिया हैं। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच भैया। हैप्पी सैबथ सभी को। परमेश्वर के नाम में हम मैं सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज का सैबथ का दिन है, आज का जो दिन है हम प्रार्थना का दिन है, हम अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आइए जो है हम सभा को शुरुआत करते हैं प्रार्थना करते हुए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करेंगे। जमीन और आसमान को बनाने वाले जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें सप्ताह पर संभाल के रखा, ये दिन दिखाया ताकि हम आपका पवित्र नाम ले सकें। प्रभु जी हमारे में कोई लियाकत नहीं है प्रभु, हमारे में कोई ऐसे बातें नहीं है प्रभु जी के जो आपको पसंद है, लेकिन प्रभु जी ये सिर्फ और सिर्फ आपका अनुग्रह है प्रभु। परमेश्वर आपके अनुग्रह से हम बचाए जाते हैं। परमेश्वर आज की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आज जो भी प्रोग्राम लिस्ट हमने बनाई है प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को, हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हर एक कार्य में परमेश्वर हमारी सहायता और मदद कर प्रभु जी। हमारी हर एक जरूरतों को आप ही पूरा करते हैं प्रभु जी। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इस छोटे से ग्रुप को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक के साथ हो, हर एक को आशीष और बरकत दे। हमारी हर एक दुआ को सुनना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के संदेश की तरफ। मैं निवेदन करता हूँ, हमारे बीच में सिस्टर सिमरन मसीह है, मैं उनका स्वागत करता हूँ कि आए, आज हमारे बीच में आए और परमेश्वर के वचन से हमें आशीषित करें। सिस्टर सिमरन मसीह। थैंक यू सो मच ब्रदर सतनाम जी, आपने मुझे मौका दिया, प्रभु आपको आशीष दे सबको। जय मसीह की। गुड मॉर्निंग, यीशु सहाय एंड हैप्पी सैबथ। खुदावंत का धन्यवाद करते हैं हम एक साथ मिलके परमेश्वर की महिमा करने वाले हो सके। और हम सब जानते हैं कि हम अलग अलग विषयों के ऊपर जो है वो प्रार्थना करते हैं, और हर अलग अलग विषय, बीमारी या कोई परेशानी है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ भी है, अलग अलग विषय पे जो है हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है वो है जो हम वचन के ऊपर जो है वो कैसे मनन कर सकते हैं, वचन के लिए कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है मेरी आंखें खोल दे कि मैं देख सकूं, मेरी आंखें खोल दे कि मैं देख सकूं। जैसा कि हम सब ने भजन सहायता 119:17 से पढ़ा है, तो वहां पे लिखा है मेरी आंखें खोल दे कि मैं देख सकूं। और यहाँ पे जहाँ पे हम ये जो है साफ बताया गया कि हमारे प्राणों के लिए समानांतर जो है पटरियों के बारे में जो है वो बताया गया है। हम 2021 में जो है चल रहे हैं और ये 2021 जो है वो खत्म होने वाला है, और हमारे लिए परमेश्वर का उद्देश्य जो है ये है कि हम पवित्रता और प्रेम और मिशन और
स्वर्ग की दिशा में दो समान अंतर रेल पटरियों के मार्ग पर स्थिर जो है वो बने रहें। परमेश्वर हमें बताते हैं कि दो पटरियां वो कौन सी हैं जिस पे हम हमेशा जो है स्थिर बने रहें, और ये दो पटरियां परमेश्वर के सिंहासन के सामने कौन कौन सी हैं? ये दो पटरियां परमेश्वर के सिंहासन के सामने प्रार्थना और परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना है। दो पटरियां कौन सी हमारे जीवन की? प्रार्थना और परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करना है। हमारा मिशन का मसीही जीवन यही बताता है कि जैसा कि अभी पास्टर नवीन जी ने जो है गीत गाया कि बाइबल का पूरा ज्ञान हमें दे, और ये कब कैसे मिल सकता है हमें? सिर्फ प्रार्थना के जरिए। कोई भी हम बाइबल वचन पढ़ते हैं उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं कि खुदा बाप हमें समझ ज्ञान बुद्धि दे, हमें अपनी पाक रूह से भर दे ताकि हम आपके वचन को सीखें जाने उस पे मनन करने वाले हो सके। और यहाँ पे क्या बताते हैं कि परमेश्वर जो कुछ है उसे जानते हुए जिन सब से ये प्रेम करता है उन सब से प्रेम करते हुए उसके सभी अभिप्रायों के लिए प्रार्थना करते हुए उसके पवित्र वचनों पर मनन करते हुए और उसके अनुग्रह द्वारा संभाले जाते हुए पवित्र आत्मा के सामर्थ में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा का गुणगान में हम जो है परमेश्वर पिता के साथ जो है सहभागी हो सकते हैं। परमेश्वर के सिंहासन के सामने प्रार्थना और परमेश्वर के वचन पर मनन करना समान अंतर पटरियों के समान है जो कि हमारे प्राणों की ट्रेन को उस सही मार्ग पर जो है वो रखती है जो पवित्रता और स्वर्ग की ओर ले चलता है। और हर दिन प्रार्थना और बाइबल में प्रति अपने उत्साह के पूर्ण जो है जगाने के लिए इन महान और बहुमूल्य बातों पर जो है हम विचार करेंगे। भजन सहायता 119:18 में तीन बातें जो हैं वो सीखने योग्य है। भजन सहायता 119:18 में तीन बातें हैं जो हम क्या है सीख सकते हैं, और इस पद में प्रार्थना और वचन दोनों के विषय में जो है बताया गया है। इसमें क्या है प्रार्थना और वचन के बारे में दोनों के बारे में बताया गया है। पहला हम ये सीखेंगे कि पहली बात इसमें ये बताई गई है कि परमेश्वर के वचन में अद्भुत जो है बातें हैं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। और ये व्यवस्था शब्द तोरे है जिसका अर्थ क्या है निर्देश या शिक्षा। हमारे लिए परमेश्वर की शिक्षाएं में अद्भुत बातें हैं। परमेश्वर बहुत सारी अद्भुत बातें हैं जो हमें बताना चाहते हैं। ये इतनी अद्भुत है कि जब हम इन्हें सच में देखते हैं तो वह आपको जो है गहराई से बदल डालती हैं। जब हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को सीखते हैं प्रार्थना करते हैं तो वो हमें क्या हमारे जीवन को हमारी अंतरात्मा को बदल देती हैं और सेवकाई के लिए सामर्थ जो है हमें प्रदान करती है। और सेकंड क्रंथियों 3:18 में भी यही बताया है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना जानना और उस पर मनन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है सुनना है उस पर मनन करना है ये बहुत ही हमारे लिए लाभदायक भी है। और दूसरा इस वचन से हमें ये जो है दूसरी बात ये सिखाती है कि परमेश्वर सहायता के जो बिना कोई भी अद्भुत बातों को जैसे वे वास्तव में हमारे जीवन में देखना चाहते हैं वो नहीं देख सकते। परमेश्वर के बिना जो बातें हमारे जीवन में होती हैं परमेश्वर के बिना वो नहीं हो सकती। हम सब जो है परमेश्वर की जब प्रार्थना करते हैं जब हम अपने जीवन को परमेश्वर को देते हैं तो हम क्या है अपने अपने परमेश्वर के ऊपर जो है जैसा वो चाहते हैं वैसे अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे जो है मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की ओर जो अद्भुत बातें देख सकूं। अगर परमेश्वर हमारी आंखें खोलते हैं तो हम परमेश्वर के वचन की अद्भुत बातों को सीख जाते हैं और हम स्वाभाविक रूप में आत्मिक सुंदरता को देखने के योग्य नहीं है। जब हम परमेश्वर की सहायता के बिना बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल की शिक्षाएं
में परमेश्वर की महिमा का चमकना एक ऐसा होता है जैसे दृष्टिहीन मनुष्य के चेहरे पर सूरज के चमकने के समान है। तो हम परमेश्वर के बिना क्या है? अधूरे हैं। हमें जब भी वचन पढ़ना है, जब भी प्रार्थना करनी है, परमेश्वर को, अपने जीवन को परमेश्वर को दें, तभी हम जो है परमेश्वर हमसे, हमारे जीवन से जो चाहते हैं वो पूरा हो सकता है। और तीसरी बात हम ये सीख सकते हैं कि इसमें जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमें परमेश्वर से अलौकिक प्रकाश जो है वो मांगना चाहिए, जो परमेश्वर हमसे हमें देना चाहता है हमें उसको मांगना है। और मेरी आंखें खोल दे, मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं, क्योंकि परमेश्वर के कृपालु जो है प्रकाशन के बिना बाइबल की शिक्षा, घटना और आत्मिक सुंदरता की और परमेश्वर के जो है अद्भुत कार्य को देखना, देखने में हम जो है अपने आप में असहाय हैं। तभी हम ये वचन की गहराई में जा सकते हैं अगर परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का पाकरू हमारी जिंदगी में होगा, तभी हम परमेश्वर की वचन की गहराइयों में जो है वो जा सकते हैं। और हे, यहाँ पे हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मेरे प्रिय परमेश्वर, मेरी आंखें खोल दे, मेरे मन की आंखों को खोले। हमें बाहरी आंखों को खोलने की जरूरत नहीं है, मन की आंखों को खोले, ताकि हम परमेश्वर से जब भी प्रार्थना में मांगे वो क्या है हमें मिले। और सच्चे दिल से जो भी हम मांगते हैं परमेश्वर के वचन पे जब हम ध्यान करते हैं तो हमें वो गहराई क्या है हमारी जिंदगी में हमें मिल जाती है। और परमेश्वर का वचन हमें कहाँ लेके जाता है? स्वर्ग की ओर ले चलता है। जब हम उस वचन को, उसकी गहराई को जान लेते हैं और हम उस वचन को दूसरों को बांटते हैं, तब हम कहाँ चले जाते हैं? उस स्वर्ग के रास्ते को हम जो है खुल जाता है और हम वहां पे प्रवेश होने के लिए तैयार रहते हैं। परमेश्वर की अलौकिक सहायता के बिना हम परमेश्वर के वचन को सच्चाई से नहीं देख सकते, परमेश्वर की सहायता से हम वचन की गहराई को नहीं जान सकते। और इसीलिए हमें प्रतिदिन प्रार्थना का जीवन जीने वालों के जो है आवश्यकता है। हमें वो चाहिए जो सच्चे दिल से, अपने मन से जो है वो प्रार्थना करे, जो वचन की गहराई को समझ सके और उस पे मनन कर सके, अपनी अंतरात्मा से उसको ग्रहण कर सके, क्योंकि वचन के जरिए ही क्या है जिंदगी बचाई जा सकती है। और ताकि परमेश्वर वह सब करे जो वो हमारी जिंदगियों में चाहते हैं, वो हर बात जो है हमारी जिंदगियों में पूरी होती है। भजन संहिता 119:47 में एक उत्तर दिया है, जहां पे मैंने भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं वहां पे एक उत्तर हम जो है वो पाते हैं, भोर होने से पहले उठकर मैं सहायता के लिए तुझे पुकारूं। जैसे कि हम सब भोर में उठते हैं और हम खुदा से प्रार्थना करते हैं, और हम भोर में उठ के खुदा से जब प्रार्थना करते हैं, हम मिलके प्रार्थना करते हैं, अलग अलग विषयों पे करते हैं, तो वो क्या है स्वर्ग राज में कबूल होती हैं और उसका उत्तर भी हमारी जिंदगियों में मिलता है। फिर वो क्या करती हैं, एक गवाही के रूप में तैयार हो जाती हैं। तो हम भोर में उठ के जब परमेश्वर की महिमा करते हैं, जब परमेश्वर को पुकारते हैं, तो हमारी जिंदगी में उसका उत्तर जो है वो हमें मिलता है। भोर में उठकर प्रार्थना करना, परमेश्वर से बात करना है, इसको हमेशा अपने जीवन में जो है वो याद रखें और प्रार्थना में हमेशा लगे रहें। यहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मेरी आंखें जो है वो खोल दे, कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें जो है वो देख सकूं, उसको जान सकूं, उसको सीख सकूं, उस पे मनन कर सकूं, मैं अपने वचन की गहराई को समझ सकूं। आपके जो वचन हमें दिए हैं, बाइबल में बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारे ऐसे पद हैं, कुछ जो वचन हैं वो हमें समझ में नहीं आते, कुछ जो पद हैं हमें समझ में आते हैं और उसका अर्थ भी हम दूसरों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो हमें समझ में नहीं आता है उसके लिए हमें क्या करना है? उसके, उसको समझने के लिए, उसकी गहराई में जाने के लिए हमें प्रार्थना करनी है। बिना प्रार्थना के हम वचन की गहराई को नहीं जान सकते, क्योंकि परमेश्वर चाहता है तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगते हो मैं तुम्हें देता हूं। जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना में मांगते हैं वो हमें देते हैं। तो हमें जो है वचन की गहराई में जाने से पहले परमेश्वर से समझ मांगनी है,
ज्ञान मांगना है, बुद्धि मांगनी है, ताकि उस गहराई को हम जो है जान सके। ये सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के जरिए हो सकता है। और मेरी अंतरात्मा की आंखों को जो है वो खोल दे, ताकि मैं इस वचन को जान सकूं। हम समझते हैं, आज का वचन हमने पढ़ा है कि अपने दास का उपकार कर मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। क्या हम जो है, परमेश्वर ने साफ यहाँ पे बोला है कि अपने दास पर उपकार कर। हम परमेश्वर से मांगते हैं, यहाँ पे प्रार्थना की गई है, अपने दास पर उपकार कर कि मैं क्या हूं, जीवित रहूं और तेरे वचन के अनुसार चल सकूं। तो वचन की गहराई को जानना ये तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर से मांगेंगे। हमें मांगना आना चाहिए और हमें उस वचन की गहराई को मनन करना आना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब हम प्रार्थना करेंगे। जब अगर हमारे अलग अलग विषय की प्रार्थना प्रभु उत्तर देते हैं, वो कबूल होती है, तो क्या हम वचन के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? वचन हमारी जिंदगी में जीवन रोटी है। वचन के जरिए हम क्या है, बचाए जा सकेंगे। वचन ही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। वचन की गहराई को जानने के लिए हमें प्रार्थना करनी है। हम जो भी याद वचन रोज का यहाँ पे पढ़ा जाता है, उसको ये नहीं है हमने सुना, आज का याद वचन हमने देखा, सुना, पढ़ा और जिंदगी का है उसको अपना लिया। उसको हमें याद रखना है, इधर सुन के इस कान से नहीं निकालना है। याद वचन हम इसीलिए बोलते हैं कि उसको हम जाने, उस पर मनन करें। उसको अगर नहीं समझ में आता है तो हम प्रार्थना करें, ताकि इसकी गहराई जो है हम उसे समझ सके। प्रभु यही हमें जो है वो बताना चाहते हैं कि अगर हम कोई भी वचन पढ़ते हैं, कोई भी बाइबल की आयत को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले प्रार्थना करें। वो खुद हमें समझ, ज्ञान, बुद्धि परमेश्वर हमें देता है, क्योंकि हम उसको फिर समझने लग जाते हैं और दूसरों को बताने वाले हो सकते हैं। जब मैं ड्यूटी में होती हूँ, तब मैं जो है वचन जो मुझे याद होते हैं, अगर कुछ बात ऐसी हो जाती है मेरी और मेरी फ्रेंड के बीच में, कोई बात ऐसी हो जाती है, तो मैं वचन के रूप में उसको समझाती हूँ, वचन के जरिए से उसको समझाती हूँ। और जब वचन को लेके हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक तो वचन भी समझ आ जाता है और क्या है, उसकी सहायता भी हो जाती है। और वचन के जरिए हम प्रार्थना भी एक दूसरे से कर सकते हैं। वचन हमारे जिंदगियों में एक अहम हिस्सा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, वचन को कभी भी ना भूलें। यही जो है, जो शास्त्र जो हमें दिया गया है, यही हमें बचाएगा। वचन हमें आगे लेके जाएगा। वचन के लिए प्रार्थना करें, वचन के ऊपर चलें, पढ़ें, सुनें, सीखें और उस पे मनन करें। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन। आमीन। धन्यवाद देते हैं बहन सिमरन मसीह का अच्छे वचनों के लिए। वाकई में हमें जो है परमेश्वर से हर एक चीज मांगनी चाहिए, वो समझ मांगनी चाहिए कि हम कलाम को कैसे पढ़ सकते हैं, वो प्रार्थना करनी चाहिए कि हम कैसे जो है वचन पे चल सकते हैं, वचन को समझ सकते हैं। परमेश्वर हम सबको इस वचनों से आशीष और बरकत दे। आइए, अब जो समय है वो है प्रार्थना का समय है, तो अब हम जो है प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद जिंदा जमीन और आसमान को बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पाक पवित्र चरणों में आते हैं। पिता, हम दुआ करते हैं प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर बेला के लिए, भोर की रोशनी के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवनों में दिया है प्रभु यीशु। धन्यवाद के साथ हम आपके सम्मुख आते हैं प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, खास करके उन बच्चों के लिए प्यारा परमेश्वर, जो छोटे बच्चे हमारे जूम परिवार में पाए जाते हैं प्यारे परमेश्वर, उनके साथ हो प्रभु, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं। पिता, जितने बच्चे प्रभु स्कूल के लिए जाते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, आप हर एक बच्चे के साथ हो प्रभु, उन्हें अच्छी बुद्धि ज्ञान समझ दें पिता परमेश्वर, वो अपने अपने घरों से स्कूल के लिए जाते हैं परमेश्वर, मार्ग में भी उनकी हिफाजत और रक्षा करें पिता प्यारे परमेश्वर, प्रभु ये सुबह से होने दें, उन्हें अच्छे स्वास्थ्य दें पिता, उन्हें हर एक समस्या परेशानियों से हमेशा बचा के रखें मेरे यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन।
प्रभु यीशु होने दे पिता परमेश्वर, तेरे बच्चे बेटे हैं प्रभु। तेरा का वचन बताता है कि बच्चों को मना मत करो, उन्हें मेरे पास आने से ना रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। मेरे प्यारे परमेश्वर, बच्चे तेरे दिए हुए परमेश्वर जो है वो दान है प्रभु, भविष्य है प्रभु परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर खुदावन होने दे प्रभु, वो बच्चे पिता परमेश्वर संसार का ज्ञान प्राप्त करके प्रभु तेरी महिमा करे पिता परमेश्वर। जैसे संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं प्रभु, उस ज्ञान के साथ साथ परमेश्वर वो आत्मिक ज्ञान में भी बढ़ते चले जाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद ही है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने प्रार्थना सुनी, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन।